आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाबे होरमहू, इन्हें जिंदाने जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून, और लानत हो तुम पर आखमाहू, जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। आज शहर भर में चरागाह और पुरसुकों जश्न का इत्माम होना चाहिए। मैं आज के दिन को बुत परस्ती पर यक्ता परस्ती के फतह का दिन समझता हूँ, और पयाम्बर खुदा जनाब यूज़ारसीफ को इस कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं आपका भी सिपास गुजार हूँ जनाब होरमहू, आपने इस तमाम मामले को नहायत मुदब्बिराना अंदाज में संभाला है, आफरीन। मैं हुक्म देता हूँ कि आज से आमून का नाम कसर के तमाम दरो दीवार से मिटा दिया जाए और उसकी जगह आतून का नाम कुंदा करवा दिया जाए, यानी खुदाए यक्ता का। और हुक्म देता हूँ कि आखमहू और उनके शरीके जुर्म साथियों को तादम मर्ग कैद में रखा जाए। हम अगर कुछ तो खून के हक में होते तो आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, लेकिन हम उनकी जान बख्शी करते हैं। तमाम शहर में चरागाह किया जाए और पूरे मिस्र में फतह और कामरानी का जश्न मनाया जाए। माँ, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो करो यहूदा, ये बच्चा भूखा है। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से क्या होगा? गुरूब होने तक बर्दाश्त करो, तहत है। रोजाना दिन में सिर्फ एक मरतबा ही खाना खाया जा सकता है। बच्चे तो ये बातें नहीं समझते ना, वो बहुत भूखा है। तो इसे समझाने की कोशिश करो ना, चारा भी तो नहीं है। सलाम लावी। सलाम बिन्यामीन, क्या हुआ आज, रास्ता कैसे भूल गए? नहीं, वो बाबा ने मुझे भेजा है। जाओ बेटा, जाओ जाकर खेलो। मजाक मत करो भाई, बाबा को हमसे क्या मतलब? पता नहीं, बस इन्होंने फरमाया कि अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ। खुद उन्होंने कहा कि अपने भाइयों को बुला कर लाओ? कहा तो यही है। बाबा ने तो बरसों से कोई कलाम नहीं किया, अब अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या तुम कसम खा सकते हो कि खुद बाबा ने हमें बुलवाया है? कसम की क्या बात है, आखिर आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? बाबा मुंतजिर हैं, दूसरे भाइयों को भी बता दें। कहा यमुईन, अपने चचाओं को बुला कर लाओ, जल्दी करो। कहीं फिर यूसुफ के पुराने जख्म तो कुरेदने का इरादा नहीं है बाबा का? यूसुफ जख्म नहीं, गम है, एक ऐसा दर्द जो आप लोगों ने बाबा की रूह में उतारा है। मुझ में ना नसीहत सुनने का हौसला है और ना ही ताना उतना बर्दाश्त करने का। उलझने के बजाय बेहतर होगा हम खुद चलकर देखें कि बाबा ने हमें क्यों बुलाया है। बहरहाल मैंने पैगाम पहुंचा दिया है, आना ना आना अब आप लोगों पर मुनसर है। ठहरो, साथ ही चलते हैं। अब गुस्सा छोड़ो, ठीक है? दुनिया और आखिरत की जिंदगी में दो ग्रोहों की आकिबत कभी बखैर नहीं होती, और खैर बरकत की सआदत नसीब नहीं होती। भला तुम में से कौन बता सकता है कि वो दोनों ग्रोह कौन से हैं? मैं बताऊं दादाजान? हाँ बताओ। वो जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते और उन्हें अजियत पहुंचाते हैं। आफरीन है तुम पर, तुम किसके बेटे हो? मैं फर्जंदे लावी हूँ। अच्छा, तो तुम कहात हो, आफरीन, दुरुस्त है, खूब। और वो दूसरा ग्रोह कौन सा है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता, तुम इसे कौन बताएगा? क्या मैं बताऊं दादा जान? तुम्हें तो मैं पहचानता हूं,
अश्बील हो तुम फरजंद बिन यामीन, बताओ मेरी जान। वो जो अपने से बड़ों का एहतराम नहीं करते। आफरीन मेरी जान, जो बड़ों का एहतराम नहीं करते, हाँ वो उम्र के लिहाज से हो या ईमान के लिहाज से, दुनिया और आखिरत में उनका अंजाम कभी बखैर नहीं होता। वो लोग दुनिया और आखिरत में कभी भी सुरखरू नहीं हो सकते। मैं उनके लिए जिन्होंने अपने पैगंबर और अपने बूढ़े ज़ईफ़ बाप की हुरमत का पास नहीं रखा, बहुत फिक्रमंद हूँ। खुदावंद उनकी आकबत बखैर करे। सलाम बाबा। सलाम पर नबी खुदा। सलाम बाबा। आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। सब आ गए? जी बाबा। ये सख्ती और खुशकसाली एक नेमत है और मैं मुस्तकबिल के हवाले से काफी पुरुमीद हूँ। अलबत्ता तुम जैसे सुस्त काम चोरों से कोई उम्मीद नहीं। हम मौत के दहाने पर खड़े हैं बाबा, लेकिन इन लोगों को तो कोई परवाह नहीं। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? आखिर कब तक यूं ही सोगवार बैठे रहोगे? मेरा ख्याल है तुम लोग मर्द हो और हर एक के दोष पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी है। अब क्या चाहते हो कि यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और अपने खानदान के एक एक फर्द को मरता हुआ देखो? आखिर और हम कर भी क्या सकते हैं बाबा? अगर तुम मर्द लोग कुछ नहीं करोगे तो क्या हम खवातीन करेंगी? कोई कोशिश, कोई जुम्बिश, यूं ही बेकार तो नहीं बैठा जा सकता ना? लेकिन बाबा, आप तो जानते हैं कि आसपास के तमाम शहर और देहात भी कहत का शिकार है। ऐसे बताए हम क्या कर सकते हैं? मैंने उस ताजिर मलीखा और चंद दूसरे लोगों से सुना है कि मिस्र के हालात काफी बेहतर हैं। अजीज मिस्र ने काफी मकदार में गंदम जखीरा की हुई है। तुम लोगों के पास जितने भी दिरहम और दीनार हो सब जमा करो और मिस्र के लिए रवाना हो जाओ। शायद इसी तरह अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर सको। यहां बैठकर सिर्फ परेशान होने से कहत की मुश्किल तो हल होने से रही। यहाँ से मिस्र तक कितने दिन का सफर है? तकरीबन 20 रोज। रास्ता काफी तवील है। इसके सिवा कोई चारा नहीं। अब हम अपने बीवी बच्चों की मौत का तमाशा तो करने से रहे। गंदम वहाँ भी न मिली तो कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी कि जिंदा रहने के लिए हमने अपनी पूरी कोशिश तो की। अब तो मुझसे और मेरे बच्चों से मजीद भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। अगर कहत से खानदानी बनी इसराइल पर कोई मुसीबत टूटी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मेरा ख्याल है कि बाबा का मिस्र जाने का हुक्म देना और गंदम की तलाश में तगुदो करने का कहना, ये सब एक आजमाइश है। शायद बाबा ये देखना चाहते हो कि आप लोग माफी के लायक हैं या नहीं। अगर नबी खुदा आपको जाने की तरकीब दे रहे हैं तो तरदुद मत करें। वो ऐसी बातें जानते हैं कि जिनका तुम्हें इल्म नहीं। बेशक उनके अहकाम की इताद ही में तुम लोगों की फलाह बहबूद मुजमिर है। जाओ जाओ और जाने की तैयारी करो। हम इतना तवील रास्ता तय करके जाएंगे जबकि मैं जानता हूं जाना बेकार है। अगले चंद रोज में तो ये रोटी भी खाने को मैं ऐसे नहीं आएगी। रास्ते के खतरात के बारे में भी सोचा है? खूंखार वहशी दरिंदों और राजानों से भी वास्ता पड़ सकता है। आप लोग सब 11 भाई हैं, सबके सब निडर और बहादुर। फिर डर और खौफ कैसा? मैं आपके लिए सामान्य सफर और कुछ ज्यादा राह का इंतजाम करती हूँ। अगर तुम लोगों का ख्याल ना होता तो मैं कभी ना जाता। अपनी माँ का ख्याल रखना।
अब घर की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। हम अब बड़े हो गए हैं बाबा, क्या हम आपके साथ नहीं जा सकते? नहीं बेटा, हम भाइयों ने तय किया है कि हम में से कोई भी अपने बेटों को साथ नहीं लेके जाएगा। और वैसे भी अभी तुम लोग कम उम्र और ना तजुर्बेकार हो, और सफर के खतरात से नाशना, तवील सफर के लिए तजुर्बे का होना नहायत जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने सुना है कि राजन घात लगाए बैठते हैं और कारवां वालों पर हमला करते हैं। 11 बरोमंद भाइयों पर हमला करने की किसमें जुर्रत होगी? और फिर किनान के दीगर अफराद भी इस सफर में हम लोगों के साथ होंगे। अहद, जरशू, कहार, देखो घर और जानवरों की तरफ से मैं बेफिक्र हो जाऊं ना, मैं तुम लोगों के भरोसे पर इस सफर पर जा रहा हूं। मैं आपका सम्मानित सफर अमादा कर देती हूं। सिपास गुजार हूं। रोटियां हैं रास्ते के लिए, और घर में कुछ नहीं है। यही काफी है। वो सिक्के संभाल के रख लिए है ना आपने? परेशान मत हो, वो बिल्कुल महफूज है। हालांकि मैं इस सफर से ज्यादा पुरउम्मीद नहीं हूँ। रूबीन, ये जानवर हमारे सफर के लिए काफी होंगे ना? हाँ हाँ, काफी तो होने चाहिए। जाते वक्त उन पर सवार हो जाएंगे और वापसी पर गंदुम ला देंगे। गंदुम मयसर आ जाए तब ला देंगे ना। हम भी आपके साथ चलेंगे, सफर पर जाने के लिए काफी अफराद जमा हो गए हैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम तादाद में जितने ज्यादा होंगे खतरे का इम्कान कम होगा। इस सफर के तमाम खतरों के बावजूद मुझे यकीन है कि हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तवक्कल बरखुदा, बहरहाल हमें तो अपनी सी कोशिश करनी चाहिए। भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा। और बहन, तुम भी हमारे बीवी बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी। आप भाइयों के हमरा नहीं जाएंगे? जाना तो चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाबा इजाजत नहीं देंगे। आप बात तो करें, शायद इजाजत दे दें। देखता हूँ। सलाम सलाम बाबा, सलाम 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 नबी, सलाम सलाम बाबा। हम जाने के लिए तैयार हैं, आपकी इजाजत है? बाबा, क्या आप इजाजत देंगे कि मैं भी अपने भाइयों के हमरा चला जाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम यहीं मेरे पास रहो और अपने भाइयों की अदम मौजूदगी में तमाम खानदान वालों को संभालो। जैसा नबी खुदा मुनासिब समझे। आया नबी खुदा सफर के लिए हमारी कोई रहनुमाई नहीं फरमाएंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस कहात के नतायज से काफी पुरुम्मीद हूँ, लिहाजा नसीहत करता हूँ कि सफर में पेश आने वाले वाकयात को खैर सलाह समझना, ना कि मुश्किलात और रुकावटें। हर वाकये में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। हमारे हक में दुआ कीजिएगा बाबा। खुदा निगहदार हो हमारे लिए, दुआ निगहदार बिन्यामीन, फिर मिलेंगे। इत्मीनान रखिए, हम हालियत नहीं लौटेंगे। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। सब हरकत करेंगे, अपना ख्याल रखना। खुदावंदा, इन्हें कामयाब और सही और सलामत लौटाना। आमीन।
बानो जुलेखा कहाँ? आप कहाँ जा रही हैं? सुना है कि यूजार सिर्फ सफर से वापस लौट रहा है। उसे देखने के लिए नील के साहिल तक जा रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आएगा भी? हाँ, मुझे यकीन है, जल्द बदेर वो जरूर आएगा। देखा तुमने, कितनी सादा और भोली है, गोया तुम्हारी तंजिया बातें उसे समझ ही में नहीं आई। लगता है अपनी अकल से हाथ धो बैठी है, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए एहतराम की कायल हूँ। दीवाने भी काबिल एहतराम हुआ करते हैं। हमेशा बच्चे और जवान यूजार सीफ से मुतालिक झूठी झूठी खबरों से उसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और उससे इनाम मिलते रहते हैं। इसके बावजूद कि अब उनकी तमाम शान शौकत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नाउम्मीद नहीं हुई है। यूजार सीफ की खबर सुनते ही उन्हें देखने के लिए चल पड़ती हैं। यूजार सीफ तो हर रोज़ किसी न किसी शहर में होता है, उससे मिलना इतना आसान नहीं। क्या हुआ, ये आपका यूजार सिर्फ आया नहीं? मुंतजर हूँ, बिलाखिर कभी तो आएगा, मेरा यूसुफ जरूर आएगा। आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है वो आएगा। सूरज हमेशा तो बादलों में नहीं रहा करता। बस करें बानो, बस करें। क्या आपने सुना नहीं कि वो किसी एक शहर में नहीं ठहरते? आपकी आंखें यूसुफ के इंतजार में सफेद हो गई हैं, अब तो बस कर दें। जानती हूँ वो बेवफाई करता है। मेरा काम इंतजार करना है और यूसुफ का काम इंतजार करवाना। मैं यहाँ तब तक आती रहूंगी जब तक कि वो आ नहीं जाता। इस मुसलसल इंतजार से आप थकी नहीं? आखिर और कितना इंतजार करेंगी? तुम आशिक नहीं हो ना, मेरी तो पूरी जिंदगी इंतजार है। अगर इंतजार ना करूं तो किसके लिए जिंदा रहूं? ये इंतजार मुझे पुर उम्मीद रखता है, मेरी जिंदगी को एक मकसद देता है। यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ यही कही, मैं उसकी बू महसूस कर रही हूँ। आपको वहम हो गया है बानू, यूसुफ यहाँ कहाँ से आए? नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर यही कहीं नजदीकी है। जरा गौर से देखो पागल दीवानी, भला यूजार सिर्फ यहाँ कहाँ से आए? माफ़ कर दीजिए बानो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, मैं बेख्तियार हो गई थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, गिला तो मुझे यूसुफ से है। अगर वो आ जाता तो ये लानत मलामत तो ना सुननी पड़ती।
लेकिन वो आएगा। बिलाखिर एक रोज ये इंतजार खत्म होकर रहेगा। ये ज़मीन फ़िलहाल बंजर है, लेकिन जल्द ही काहत ख़त्म हो जाएगा। ये ज़मीन मिस्र के बहुत से गरीब काश्तकारों के लिए काफ़ी होगी। अब यह तमाम मेराज़ी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। हमें इन सारी ज़मीनों को नादार काश्तकारों में तकसीम करना होगा, ताकि वो इस पर अपने लिए काश्त करें और हुकूमत को महसूल अदा करें। ये तो बहुत अच्छा होगा, इस तरह तमाम ग़ुलाम साहिब ज़मीन हो जाएंगे। नहीं मालूम इस वक्त अहले किनान पर क्या बीत रही होगी, वो कहत में क्या कर रहे होंगे। काश मेरे बाबा और भाई यहां होते और वो इन वसी जमीनों पर काश्तकारी और गल्लाबानी करते। जब ये इतना बड़ा दरियाए नील इस तरह खुश्क हो गया है, तो जाहिर है कि किनान की हालत क्या होगी। सालारे कारवाने बाबिल, आपने ये गंदम कहां से हासिल की है? आप पर भी दुरूद हो, मिस्र से आए हैं, आप भी जाइए, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। क्या अभी काफी मसाफत बाकी है? वो मिस्र की हिफाजती चुंगियां नजर आ रही हैं, ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। सिपाज गुजार हूँ, खुदा निगेदार। खुदा निगेदार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। अब तक तो बड़ी बेजारी से मिस्र आ रहे थे, अब क्या हो गया? अब तक कोई उम्मीद जो न थी। हवा बहुत सर्द है, आप बीमार हो जाएंगी। सर्दी का इलाज तो गर्म लिबास से किया जा सकता है, अगर आसमान से पत्थर भी बरसे तब भी मैं जरूर जाऊंगी। रुक जाइए, मौसम के बेहतर होते ही साथ चलेंगे। क्या गोशा नशीन हो जाना रस्म आशिकी है? उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इतने दिन बैठी, इंतजार किया, क्या हुआ,
क्या यूसुफ आए? आप इस मुसलसल इंतजार से थकी नहीं? आखिर तुम लोग समझती क्यों नहीं? हर रात यूसुफ की दीदार की उम्मीद में आंखें बंद करती हूँ और सुबह उसके दीदार की आस में उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इंतजार करने बैठ जाती हूँ। यूसुफ का इंतजार ही आप मेरा मकसद हयात है। मैं कभी भी मायूस होकर इंतजार करने से नहीं थकूं। अब सिर्फ यूसुफ का इंतजार ही तो मेरे पास रह गया और तुम लोग मुझे से मना कर रही हो। अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे बानो। जहाँ जाना चाहती है जाए, आप दीवानी हो गई हैं, बिल्कुल दीवानी। अगर आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली है तो हम क्यों बर्बाद करें? चलो, मैं तो इतनी सर्दी में बाहर नहीं निकल सकती, इनके लिए अपना दिल जलाना बेकार है। जुलेखा, क्या इस सर्दी में तुम्हारा कोई घर या ठिकाना नहीं है? कसर है ना महल की तरह कुशादा, कब्र की तरह तंग, जिंदान की तरह तारीख। घर है मेरा। जो भी है यहाँ से तो बेहतर होगा, यहाँ तो बीमार पड़ जाओगी। मैं किसी की मुंतजर हूँ, किसी ने बताया कि वो आएगा, अगर नहीं आया तो चली जाऊँ। चलो चले। क्या हुआ? तुम लोगों ने तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था ना। कोशिश तो बहुत की लेकिन हो ना सका। हमें आपकी आदत हो गई है बानो, बचपन से आँख खोलते ही सिर्फ आप ही को देखा है, आप ही के कसर में पले बड़े हैं, किसी और जगह से तो हम वाकिफ भी नहीं। मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी तन्हाइयों में मुखल मत हो। लेकिन हम आपको यूँ तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हारे साथ जब होती हूँ तो तन्हा हो जाती हूँ, वरना हमेशा हर जगह यूसुफ मेरे पास होता है। तुम दोनों के आते वो मुझे छोड़कर चला जाता है। क्या इनका ये इश्क हवस पर मबनी है? क्या अब भी वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखती हैं? मुझे नहीं लगता। अब जुलेखा के पास बचा ही क्या है जो वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखें? वो जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही हैं उतनी ही दिलनशीन होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जुलेखा को भी पसंद करने लगी हूँ और इश्क जुलेखा को भी। नाम और पता वगैरह लिख कर दे दो। हम 10 भाई हैं। मैं लावी हूं, ये शमून, यहूदा, जाद, दान, जबूलू, यसाकिर, अशीर, निफ्ताली, रूबीन। हम सब फर्जंदान याकूब और केनान के रहने वाले हैं। तुम 10 अफराद भाई हो, तिब्स किस लिए आए हो? दूसरे लोग किस लिए आए हैं?
हम भी दूसरों की तरह। तुम्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो, तुम लोगों की मिस्र आने की वजह क्या है? हम गंदुम खरीदने के लिए मिस्र आए हैं। हमारी सरजमीन किनान भी कहत की जद में है। हमें बताएं अब हमें क्या करना होगा। हमें मामूर किया गया है कि अजनबी लोगों की मुकम्मल मालूमात हासिल करें। हमें मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों ने इससे कब यहाँ से गंदुम हासिल किए या नहीं, आया गंदुम के ताजर हो या कहत ज़दा। अपने नाम पते और कुल तादाद लिखो। ये इतने सारे बहाने किस लिए? अगर गंदुम नहीं बेचना है तो इतना तंग क्यों कर रहे हो? ये यहाँ के कवानीन हैं। अगर कबूल नहीं है तो जा सकते हो, जहाँ कोई गंदुम नहीं है यहाँ। बस करो शमून, मैं आपसे माजत चाहता हूँ जनाब। अगर ये कवानीन सबके लिए हैं तो हम भी इनका एहतराम करेंगे। आप बताइए अब हमें क्या करना होगा। अपने तमाम कवायफ इस कागज पर दर्ज करें, वो हम जनाब युजार सिफ की खिदमत में पेश करेंगे, देखें वो क्या हुक्म देते हैं। तुम और तुम्हारे दीगर भाई मेरे हुक्म लाने तक यही दरवाजे के बाहर इंतजार करें। बहुत बेहतर जनाब, इसमें लड़ने झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं। हम यहाँ गंदुम लेने आए हैं या लड़ने झगड़ने? तुम लोगों की तो आदत हो गई फितना फसाद की। या नबी खुदा, दरवाजा सूर्या का निगहबान गुजारशात पेश करना चाहता है, क्या इजाजत है? हाँ, बुला लीजिए उसे। दुरूद बरारी जनाब युजार से। दुरूद खुदावंद हो तुम पर भी। हाँ कहो, क्या बात है? गुज़िश्त हफ्ते दरवाज़ा सूर्या से शहर तिप्स में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों की कुल तादाद 390 थी। सब ने एक एक बोरी गंदुम खरीदी और उसी दरवाजे से वापस चले गए। उन सब का ताल्लुक हमारे क़ुर्ब जवार के हमसाए ममालिक शामात वगैरह से था। बस और कोई ख़ास बात नहीं है। अलबत्ता आज 10 भाई जो अपने ताल्लुक केनान से बताते हैं, वारिद शहर होना चाहते हैं। केनान से 10 भाई? नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए। वही है बनी इसराइल। क्या हुआ नबी खुदा, क्या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कसरे अखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता, कुछ तो बताएं। आखिर आप कुछ बोलती क्यों नहीं? बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादे खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूदगी का किसी को इल्म ना होने पाए। खुदाया सिपास गुजार हूँ, सिपास गुजार हूँ।